हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग एक कुकिंग ब्लॉग होगा और दैट इज रिलेटेड टू पालक का साग। आई एम श्योर बहुत लोगों को पालक का साग बहुत पसंद आता है और एंड वैरायटीज ऑफ डिशेज उन्हें बनाना आता है। और मैं जो आज जो मैं डिश शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर कि लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद कुछ लोगों को ना पता हो और वो मेरा ब्लॉग देखे उनको पता चले कि अच्छा ऐसे भी खा सकते हैं हम, ऐसे भी बना सकते हैं हम। सो चलिए आज का कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़े आलू, आप इस साइज में काट लीजिए, एक बड़ा प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पालक। इसको मैंने धो के छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया है रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरा पकने के बाद, जीरा ऑलमोस्ट पक गया है, इसमें हम फिर डालेंगे ये ये प्याज ऑलमोस्ट थोड़ा सा पक गया है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपना आलू। तो हमें यहाँ आलू पूरा नहीं पकाना, बिकॉज जब हम साग इसमें डालेंगे ना, वो पानी पानी छोड़ता है, उससे आलू उस समय आलू सीज जाएंगे। तो यहाँ ऑलमोस्ट आलू फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, मैंने बस कलर के लिए डाला है। अब हम इसमें अपना कटा हुआ पालक साग भी डाल देंगे। अब इसे साग से बहुत सारा पानी निकलेगा अब। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट साग गल चुका है, अब ये थोड़ा सा और फ्राई होगा। आलू देखते हैं पका कि नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट पक गया है आलू। इसको थोड़ा अच्छे से मैश कर दीजिए। ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये हमारा पालक का सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम गैस को करेंगे ऑफ। ये मेरा लंच रेडी है। आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने बस चावल, आलू पालक की सब्जी और अचार लिया है। मैंने आज दाल वाल कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आलू पालक के साथ चावल और उसके साथ अचार बहुत ही यम्मी कॉम्बिनेशन है। आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा।